तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देख के आपको एक आपके पास एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि ये रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म का है, और जब भी रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म का होता है तो क्वाड्रेटिक को आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आपको पता चलता है कि ये किस फॉर्म से मैच कर रहा है, फिर उसका डायरेक्ट फॉर्मूला प्लेस कर देते हो। बहुत ही सीधे क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग जानते थे, खैर +6 डायरेक्ट भी बना सकते हो आप एडजस्ट करके, हम विदाउट एडजस्ट करके बना रहे हैं जो आपको हमेशा ही वर्क करेगा, क्वाड्रेटिक कैसी भी हो। तो इसे कंपेयर कर लेंगे हम लोग ax² + bx + c से। ए आपके पास 1 है, बी आपके पास 4 है, और सी आपके पास 6 है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो हो जाएगा आपका, दैट मीन्स b² - 4ac, ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर - 4ac, 1 × 6, तो ये 16, और -24 -8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जैसा जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक होती है इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ax² + b + c का, इसका आपके पास फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है, ये अप्लाई कर देते हैं हम लोग। ए टाइम्स, दैट मीन्स 1 टाइम्स x + b/2a, b मतलब कितना हो गया आपका 4, तो 4/2a, ए 1 है तो 2 हो गया × 1 का होल स्क्वायर, माइनस d/4a² डी क्या आपका आ गया -8, तो -8/4a² ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर दिया, यहाँ से माइनस हटा दिया, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया, तो ये पूरा हटा के हम 2 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो दैट इज 2। अच्छा यहाँ भी सॉल्व कर लीजिए, 2 × 2 = 2 हो गया, उसके बाद 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 आ गया। ठीक है, अच्छा फाइनल स्टेप कि 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक हो गई। ये स्टेप जो दिखाया है हमने, ये आप एग्जाम में आपने मान लीजिए किया है, आपको करना पड़ेगा तो आप छोड़ सकते हो, है ना, वो चेक कर लेगा एग्जामिनर, ये देख लेगा, लेकिन इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। आपने कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, जुगाड़ बना के या फिर आपके पास ये पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक को रिप्लेस कर देंगे, दैट कुड बी रिटेन एज ए √x + 2 का होल स्क्वायर + √2 का होल स्क्वायर dx हो गया। ठीक है, अब यहाँ x + 2 को हम क्या एज्यूम कर लें, लेट x + 2 = t, तो क्या हो जाएगा आपका dx = dt हो जाएगा। आप कन्वर्ट कर दोगे वेरिएबल t में, तो √t² + √2 का होल स्क्वायर और dt हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला, ये किस फॉर्म से मैच कर रहा है आपका, √x² + a² से मैच कर रहा है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2x, लेकिन x यहाँ पे t है, तो 1/2t² √ क्वाड्रेटिक जो भी आपकी है t² + 2 हो जाएगा, और +a² / 2, ए स्क्वायर आपका √2 का स्क्वायर मतलब 2 है, a² / 2, और log(x)(mod)t + जो भी क्वाड्रेटिक है आपके पास t² + 2 हो जाएगा, और +इनडेफिनिट कांस्टेंट से c हो गया। ठीक है, अब देखिए, लेकिन डमी वेरिएबल के टर्म में आंसर तो देंगे नहीं, तो t आपने क्या एज्यूम किया था, x + 2 एज्यूम किया था, तो x + 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2x + 2 टाइम्स, ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक हमें टी की वैल्यू रख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक होती है वही आती है ना यहाँ पे रखने के बाद, तो हम क्यों इतना दिमाग लगाएं और टाइम लगाएं। तो x² + 4x + 6, तो x² + 4x + 6, और ये कट के तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, खैर +log(x + 2) + क्वाड्रेटिक जो भी थी आपकी x² + 4x + 6 mod (close) इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट थी, तो दैट इज योर फाइनल आंसर।